सब मिले, बढ़ते कदम न रुक पाएंगे, कोई रोक सके तो रोक ले। आभास है, विश्वास है, जन जन में मन की आस है, हम दिल की सुन कर निकले हैं। इस देश ने दिया आवाज है, बोलो साथ हमारे कौन चलेगा, कौन चलेगा, बोलो साथ हमारे कौन चलेगा। महाराष्ट्र प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष कुणाल दादा राउत साहब के मार्गदर्शन में विशाल रैली का आयोजन, साथ ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले द्वारा भारत जोड़ो यात्रा के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य के नांदेड़ जिला से बुलढाणा तक महाराष्ट्र के 775 किलोमीटर भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी के साथ पद यात्रा कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा के अंतर्गत बेरोजगारी, महंगाई, युवाओं की शिक्षा पर बुरा हाल ठीक करने और जातिवाद धर्मवाद के खिलाफ प्रेम और सद्भावना एकता का संदेश देने हेतु राहुल गांधी जी ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ यात्रा की जाएगी। इसी अभियान के अंतर्गत लगातार कई दिनों तक चल रहे इस यात्रा में चौथे दिन के कांग्रेस की यात्रा में बृहस्पतिवार को महाराष्ट्र में चौथे दिन शाम को राहुल गांधी नांदेड़ में एक विशाल रैली को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी ने नांदेड़ के लोहा इलाके के कापसी चौक से सुबह 6 बजे अपनी पदयात्रा शुरू की। चौक पर सुबह सुबह हजारों की संख्या में लोग कांग्रेस नेता से मिलने के लिए एकत्र थे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने चलते चलते ही हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। इस दौरान माननीय राहुल गांधी जी से भिवंडी शहर जिला यूथ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल पाटिल भी मिले और उन्होंने भिवंडी शहर की समस्याओं से अवगत कराया। नांदेड़ में चलने वाली ये यात्रा नांदेड़ शहर से देगलूर और अर्धपुर इलाके में होते हुए शुक्रवार को हिंगोली पहुंचेगी। भारत जोड़ो यात्रा को कांग्रेस द्वारा भारी समर्थन मिलने से यात्रा विशाल रैली में बदल गई है। इसमें हजारों की संख्या में कांग्रेसी अपने अपने कार्य क्षेत्र से जुड़ते जा रहे हैं। संवाददाता आशीष राजभर की रिपोर्ट। चली चली चली।